प्रॉपर्टी है जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने। बहुत ही कम घूमा यहाँ पे, मतलब पहली बार ही आया हूँ। सो आई एम अमित। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आ गए हैं अम्बेडकर पार्क में, जो है लखनऊ में। ये टोटल $7 बिलियन की एक प्रॉपर्टी है जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने अम्बेडकर जी के स्मृति में बनवाई थी। और इसमें टोटल 127 एलिफेंट्स के प्रतिमाएं हैं, और बाकी अम्बेडकर जी और बिरसा मुंडा, इन सभी की प्रतिमाएं अंदर बनी हुई हैं। तो आज हम इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करेंगे अम्बेडकर स्तूपा से। ये है अम्बेडकर स्तूपा, इसके अंदर बिरसा मुंडा अम्बेडकर जी की मूर्तियाँ हाउस्ड हैं, और इसके चारों ओर का ये बहुत ही खूबसूरत एक पार्क है। इस पार्क में टोटल 7 बिलियन रुपीज़ का खर्चा आया था, जो उस टाइम में करीब 2008 में ये लोगों के लिए खोला गया, और बहुत ही खूबसूरत था। ये स्तंभ स्मर कुछ जानकारियाँ लिखी हुई हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। ये पार्क इंडिया की सबसे बड़ी प्लैंड कॉलोनी गोमती नगर में स्थित है, और इस पूरे पार्क को बनाने के लिए जो लाल पत्थर यूज़ किया गया है, ये लाया गया है राजस्थान से, जो अपने आप में एक यूनिक है। इस पार्क में टोटल 124 हाथियों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जो आप देखेंगे तो आप मस्त हो जाएंगे। अभी जहाँ पे टोटल 127 एलिफेंट हैं, हम 127 हाथियों को देखने आ गए हैं। और ये हाथी स्पेशली बोले जाते हैं कि एक स्पेशल टाइप का पत्थर मंगाया गया, उससे ये बनाए गए। बेसिकली जब ये बन रहा था तो बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी थी कि काफ़ी पैसा बर्बाद हो रहा है, बट व्हेन आई एम दिस प्लेस, जब मैं आया हूँ तो 7 बिलियन रुपीज़ की जो ये पूरी प्रॉपर्टी बनी हुई है, सच पे देखने लायक है। मैं काफ़ी मॉन्यूमेंट गया हूँ, बट लखनऊ में रहते हुए भी मैं बहुत ही कम घूमा यहाँ पे, मतलब पहली बार ही आया हूँ। सो आई एम अमेज्ड कि इतनी खूबसूरत जगह लखनऊ में थी, मैं अभी तक नहीं आया। सो लेट्स सी दीज ब्यूटिफुल एलिफेंट्स जो बनवाए हैं, सच में ये बहुत सुंदर हैं। जिन्होंने ये पूरा पार्क बनवाया था जब वो चीफ मिनिस्टर थी, और दूसरे हैं काशीराम जी। और ये जो सेंटर में है, ये इस पूरे एरिया का मैप है, ये जो पूरा पार्क बना रखा है, पार्क या मॉन्यूमेंट कह लीजिए या स्मृति कह लीजिए, तो उसका ये पूरा मैप है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी, इसमें एंट्री करने के बाद आप ये मूर्तियाँ जो एक प्रांगण में हैं, ये प्रांगण दृश्यम स्थल के जस्ट पीछे है, और यहाँ पर टोटल 6 मूर्तियाँ हाउस्ड हैं जो ब्यूटीफुली कार्व्ड हैं। इन मूर्तियों में सबसे पहली मूर्ति है श्री नारायण गुरु जी की, उसके बाद ज्योतिबा फूले महाराज की, उसके बाद राजा श्री छत्रपति साहू जी महाराज की मूर्ति हाउस्ड है यहाँ पर। देन ये बी आर अम्बेडकर जी की मूर्ति है, उसके बाद काशीराम जी की मूर्ति लगी हुई है, और सबसे लास्ट में जो यहाँ का कंस्ट्रक्शन कराया है जिन्होंने एक्स सी एम मायावती जी, उनकी मूर्ति लगी हुई है। ये नज़ारा है दृश्यम स्थल से, जो 80 फीट पिरामिड के ऊपर बनाया गया है, और यहाँ से पूरे पार्क का ईगल्स आई व्यू मिलता है। सो ये है पूरे पार्क का नज़ारा, और इसके जस्ट पीछे आपको बी आर अम्बेडकर जी की मूर्ति दिख जाएगी, और ये पूरा जो असेंबली हॉल था इसके पीछे बना हुआ है। सो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप ईगल्स आई व्यू ले सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड विजिट लखनऊ। आपका स्वागत है।